नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश को सरकार जल शक्ति के क्षेत्र में कार्य के लिए देश का श्रेष्ठ राज्य चुना गया है। बता दें, योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के कार्यकाल के चंद रोज में ही प्रदेश सरकार को जल शक्ति विभाग में काम के लिए देश के नंबर एक राज्य का पुरस्कार मिला है। वाटर मैनेजमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सम्मान मिला है। जल शक्ति विभाग में कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को सभी राज्यों में नंबर एक चुना गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथ से पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं सोमवार शाम को विभाग के बंटवारे में स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति विभाग मिला था। मंगलवार को उन्होंने राष्ट्रपति के हाथों इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। रायबरेली शहर के मनिका रोड के पास सीवर टैंक साफ कर रहे सफाई कर्मचारी टैंक में गिर गए। जानकारी के मुताबिक 3 कर्मचारी सीवर टैंक में गिर गए। वहीं मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम 3 कर्मचारियों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई थी। बता दें कि 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है और 1 सफाई कर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रतापगढ़ सदर के कोहरा गांव निवासी मोतीलाल के घर के छप्पर में आग लग गई, जिसके चलते घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और फायर ब्रिगेड की टीम को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। रुड़की के पिरान कलियर नगर पंचायत में पिछले कई महीनों से अवैध रूप से एक बिल्डिंग का निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। दरअसल बिल्डिंग का निर्माण नक्शे की फाइल बिना पास हुए ही पूरा किया जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय तहसीलदार को जब इस बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी न होने की बात कही। साथ ही उन्होंने जल्द ही पूरे मामले की जाँच करवाकर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। वहीं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि इस मामले में 28 जनवरी को बिल्डिंग निर्माण की अनुमति के लिए फाइल डाली थी, पर अभी तक उसे तहसील नहीं भेजा गया। अच्छा, अभी इसका संज्ञान में जो है आप ही के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि ये रुड़की रोड के पास में पंजाब नेशनल बैंक से पहले एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, और तो अभी अभिलेखों में मैंने चेक करवाया है अपने स्टाफ से, तो बता रहे हैं कि उसका आवेदन आया हुआ है और आवेदन आने के बाद हम उसे तहसील में भेजते हैं कि इसका जो भूमि का चिन्हीकरण या इसका वेरिफिकेशन करने के बाद कार्रवाई करने के लिए हम भेजते हैं, तो वो अभी नहीं हुआ है और कोई एनओसी जारी नहीं हुई है। इंजीनियरिंग सेक्शन हमारा है जो एनओसी ये सब देखता है। इंजीनियर साहब से भी बात करने के बाद इस प्रकरण को मैं लिखवाता हूँ, और कोई अगर बिना एनओसी के अपने स्थानीय निकाय में कार्य कर रहा है या निर्माण कार्य कर रहा है, तो उस पर जो भी हमारे एक्ट के अनुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई हमारे में लाई जाएगी। जैसे गेस्ट हाउस का निर्माण जो या तो जिनकी परमिशन या अवैध तरीके से उनका निर्माण किया जा रहा है, तो उसकी जांच क्षेत्रीय हमारी जो रेलवे टीम है उसके माध्यम से करवा करके इस तरीके से स्पेसिफिक आप पॉइंट आउट किसी चीज़ को कर रहे हैं, अगर वो जानकारी आपके पास है तो स्पेशल हमें दे दीजिएगा ताकि तत्काल उस पर संज्ञान लेकर के बेहतर कार्रवाई के उच्चाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित कर पाए। सर, वही कोई स्पेसिफिक आपके पास किसी जगह की जानकारी है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये वाला जो मैटर ये आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया।
पंजाब की जेल में रहने के दौरान न्यायालय जाने के लिए मुख्तार अंसारी की तरफ से उपयोग की जाने वाली एम्बुलेंस के फर्जी पंजीकरण के प्रकरण में आरोपी मऊ निवासी अस्पताल संचालक डॉक्टर अलका राय और उनके भाई डॉक्टर शेषनाथ राय को बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले मऊ की पुलिस ने डॉक्टर अलका राय को नजरबंद करने के साथ उनके भाई को हिरासत में लिया था। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ही गिरोह के 5 गोकशों को 1 कुंटल प्रतिबंधित मीट और औजार के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिला कप्तान संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम सहित थाना अरनिया और थाना छतारी की तरफ से कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है। बीती रात 2 अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में कुल 5 कुख्यात गो तस्कर गोली लगने से घायल हुए हैं क्रॉस फायरिंग में और उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके कब्जे से प्रतिबंधित गोमांस, गोकशी के उपकरण, तमंचे, कारतूस आदि बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद बुलंदशहर की पुलिस कुछ गोकशों के पीछे काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी, उनकी गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रही थी। उसी क्रम में यह ज्ञात हुआ कि अरनिया के रुकनपुर जंगल में गोकश आज इकट्ठा होंगे और उस अभिसूचना पर स्वाट टीम बुलंदशहर और अरनिया थाने की पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान 2 गाड़ियों से, कारों से ये बदमाश भागे। उनमें एक कार के साथ पहली मुठभेड़ हुई जो अरनिया थाना क्षेत्र में हुई और इसमें एसेंट कार थी बदमाश के पास। रात को 2:15 के आसपास से मुठभेड़ हुई है जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए, गिरफ्तार किए गए। एक जाहिद जो अलीगढ़ का है, पारसी थाना क्षेत्र का, दूसरा इकराम जो बन्ना देवी थाना क्षेत्र अलीगढ़ का है, तीसरा शमशाद जो अरनिया बुलंदशहर का रहने वाला है, ये गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 3 तमंचे, काफ़ी मात्रा में जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और लगभग 1 कुंटल के आसपास प्रतिबंधित गोमांस की बरामदगी की गई है। और दूसरी कार मौके से भागने में सफल रही, उसकी चेकिंग के लिए पूरे जनपद को बताया गया। सुबह लगभग 5:30 के आसपास छतारी थाना क्षेत्र में XX4 मारुति कार जिसमें ये बदमाश भागे हुए थे, इनके साथ छतारी पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें अली हसन और मुनसैद जो क्रमशः थाना पहासू और खुर्जा देहात बुलंदशहर के रहने वाले हैं, ये क्रॉस फायरिंग में घायल हुए। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, प्रतिबंधित गोमांस, गड़ासे, छुरे, रस्सी आदि उपकरण बरामद किया गया है। इस तरह 5 कुख्यात गोकशी करने वाले अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और इनके कब्जे से कार बरामद हुई हैं, 2 कसलहे पर्याप्त मात्रा में बरामद हुए हैं, प्रतिबंधित गोमांस बरामद किया गया है। इनका गैंग लीडर अलीगढ़ का रहने वाला है और आस पड़ोस के जनपदों में इसी तरह गोकशी की घटना करके व्यवसायिक और व्यापारी खिलाफ के लिए ये कृत्य कर रहा था। बुलंदशहर के नगर खुर्जा में स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम को काटने का 2 बदमाशों ने प्रयास किया लेकिन नगर पुलिस ने उनके मंसूबे पर पानी फेरते हुए एक को मौके पर ही पकड़ लिया, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए विजय आरोपी ने अपना अपराध भी कबूला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र में गहरू खेड़ा में 22 साल के युवक की ईंट और लाठी डंडे से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी सहित फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई। सुरेश पटेल गारू खेड़ा का निवासी हूँ। मेरा छोटा भाई विकेश पटेल रात में पानी लगाने खेतों पे आया था और रात में कुछ अज्ञात लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। अब अभी जो है मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है, इसके आगे मैं कुछ नहीं। आपको कब जानकारी हुई? सुबह जब माता लोग जो है यहाँ चने वने काटने आई हैं, तब इन्होंने मुझको जब फोन करके बुलाया तब मैं आया। किसी पे शंका है? अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा किसी के बारे में, बाकी जब सब कुछ क्लियर कर लूँगा तो शंका और सब कुछ। कुमार नामक व्यक्ति की जो 25 वर्षीय व्यक्ति थे उनकी हत्या कर दी गई है ईंट और लाठी से मार करके, और अभी
प्रथम दृष्टया इन्होंने कोई रंजिश नहीं बताई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसको हम 2-4 दिन के अंदर ही वर्कआउट कर लेंगे। सर, इसके पूर्व में भी 2 घटनाएं यहाँ पे घटित हो चुकी हैं जिनका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, ये भी ग्रामीणों की मांग है, कुछ लोगों की आवाज़ के बारे में मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ कौन सी घटना है, कब की हुई है, और उसके बारे में भी हम वर्कआउट करने का पूरा प्रयास करेंगे। गाजियाबाद में आज़ादी के अमृत उत्सव के तहत गाजियाबाद के मान्यवर कांशीराम डिग्री कॉलेज में एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें द रोल ऑफ मीडिया इन ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया इज के तहत चर्चा की गई, जिसमें वरिष्ठ लोगों के साथ साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। इस वक्त मैं गाजियाबाद के कांशीराम विश्वविद्यालय में मौजूद हूं और यहां पर एक राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार रखा गया है। उसमें मीडिया का जो सफ़र शुरू हुआ है और अब क्या सफ़र है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई है। बच्चे भी मौजूद थे और दूर दूर से वरिष्ठ लोग भी मौजूद थे, तो बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आप? मेरा नाम अंजलि सिन्हा है और मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ। आपने जैसे यहाँ किस तरह का प्रोग्राम रहा है, कैसा सेमिनार रहा है बताएं? अभी मैं तो जस्ट अभी आई हूँ, लेकिन इसके पहले भी मैंने यहाँ प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छे से होता है। और अभी मुझे स्पीच देना है, ये लोग टुकड़ों में आते हैं, लोग बोलते हैं, फिर इसी तरह 2-2 घंटे 1-1 घंटे का होता है, तो अभी देखने से तो बहुत अच्छा ही लग रहा है। मेरा अब सेशन शुरू होगा। अब सेशन शुरू होने वाला है, तैयारी आपने भी बहुत कुछ की होगी, तो किन मुद्दों पर आप बच्चों को इस बार समझाने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं? तैयारी क्या है कि मेरा अपना अनुभव है, मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट रही हूँ हिंदुस्तान टाइम्स के साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो मेरा जो फील्ड का अनुभव है उसी चीज़ को मैं डिस्क्राइब करूँगी कि कितना मीडिया का असर होता है समाज पे, उसके डेवलपमेंट में, कोई भी मुद्दा का कितना असर होता है लोगों के माइंड को चेंज करने में, और इन्हीं चीज़ों पे है, वुमेन एम्पावरमेंट पे है, उसके बाद जो भी सामाजिक कंटेम्प्रेरी मुद्दे हैं उसमें कितना काम किया है, जिसके कारण से वो चेंज हुआ है समाज, उनको हमने चेंज करने में कितना काम किया है, या किस तरह से रिस्क लेकर भी काम करते लोग, कोविड के टाइम के बारे में है कि जब पूरा दुनिया अंदर बंद था तो सब कुछ हमें उसी से पता चलता था। साल भर में इतना अच्छा वैक्सीनेशन का जो हुआ है उसमें मीडिया का बहुत रोल है, किस तरह से कन्विंस किया गया, कई लोग कितना बड़ा बड़ा तबका, कुछ तबके थे जो लेना ही नहीं चाह रहे थे, वो डर रहे थे, तो वो ये समय इस सब सब्जेक्ट्स पे डिस्कस करूँगी। या आज़ादी के ही समय, हमारा पुराने समय में उसी समय से मीडिया का बहुत आज़ादी के समय पर अखबारों की काफ़ी उस समय था कि उस समय क्या था कि वो बिल्कुल अपने फ़ायदे के लिए नहीं करते थे। उस समय जितने वर्नाकुलर अखबार थे, क्षेत्रीय जो अखबार थे, वो इतना उसके द्वारा जो नेता हमारे थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे, इतना उसके थ्रू ही लोगों को उन्होंने जागरूक किया और लोगों में देशभक्ति जगाई, और बहुत बहुत बड़ा उस समय तो रोल है। उस समय में काफ़ी लगाए गए, उस समय कानून सब कुछ, तो उस तरह से फिर भी उसके बावजूद अलग तरीके से लड़ाई की गई, क्योंकि कहा जाता है ना कि तलवार केस के जगह ज़्यादा आप अगर कोई चीज़ लिखते हैं वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। हाँ, वो जो कलम जो होता है वो बहुत प्रभावकारी होता है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजीव वर्मा है और मैं इस सेमिनार का संयोजक हूँ, कन्वीनर। प्रोग्राम को संयोजक जैसे आप कर रहे हैं, लगाए गए उस समय कानून सब कुछ, तो उस तरह से फिर भी उसके बावजूद अलग तरीके से लड़ाई की गई, क्योंकि कहा जाता है ना कि तलवार केस के जगह ज़्यादा आप अगर कोई चीज़ लिखते हैं वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। हाँ, वो जो कलम जो होता है वो बहुत प्रभावकारी होता है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजीव वर्मा है और मैं इस सेमिनार का संयोजक हूँ, कन्वीनर। प्रोग्राम को संयोजक जैसे आप कर रहे हैं, क्या दिमाग में आया कि इस तरह का एक प्रोग्राम किया जाए ताकि बच्चों के साथ साथ वो लोग भी अपनी यादों को ताज़ा कर सकें जो आप इन दिनों अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो प्रेजेंट सरकार का 75 साल हो गया आज़ादी के, तो उसके लिए जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत ये एक कार्यक्रम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीडिया का रोल बहुत बढ़ गया है और मीडिया खुद ट्रांसफॉर्म हो गया है। पहले जो है प्रिंट मीडिया था, अब आज सोशल मीडिया तक चला गया, हर एक आदमी पत्रकार बन गया है, हर एक आदमी के पास कैमरा वाला फ़ोन है, उससे वो कुछ भी पोस्ट कर लेता है, यूट्यूब पे फ्री प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो इस प्रकार का चीज़ जो है वो हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पे कितना प्रभाव डाल रहा है, इस चीज़ को जानने की अति आवश्यकता है।
और किस दिशा में हम जान रहे हैं, इसी सारी चीज़ों को इवेल्युएट करने के लिए हम लोगों ने मीडिया पर्सनस को भी बुलाया है और प्रोफेसर्स को भी बुलाया है, ताकि हम इस चीज़ को एक निष्कर्ष निकाल पाएँ और समझ पाएँ कि आखिर मीडिया कहाँ जा रहा है, कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो भारत को कितना ट्रांसफॉर्म करेगा। जिस तरह से सोशल मीडिया भी है और भी बहुत से चैनल्स हैं लगातार, तो कुछ खबरें जो है भ्रम लगी थी, दो जगह अलग 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 आग लगी थी, लेकिन खबरें जो थी कुछ इस तरह से फैली कि लोगों में भ्रम हो गया, तो उसको लेकर क्या? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मीडिया में गेटकीपर्स की बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे उसको कहते हैं ना, बेलगाम मीडिया हो गई है, सोशल मीडिया बेलगाम हो गई है, तो एक फैक्ट फाइंडिंग होना चाहिए। जैसे अमेरिका में, लंदन में आप देखें, यूके में, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ एक फैक्ट फाइंडिंग मशीन्स होती हैं जो उस जो भी आपके जो न्यूज़ चैनल्स चलते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं, उसको वो उसमें डालती हैं और बताती हैं कि ये सही है कि नहीं है, और तभी आप उसको पब्लिश कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ये चीज़ें फैल रही हैं, भ्रामक हो रही हैं, आने वाले समय में भारत में भी ऐसा चलेगा। भारत सरकार इस पर ज़रूर करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी जो इसको मोबाइल को देख रहा है, वो खुद तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है और इसके पीछे मंशा क्या है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आएगा। देखिए, यहाँ जो राष्ट्रीय सेमिनार रखा गया था, उसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में मीडिया का क्या रोल होने वाला है, कितना ट्रांसपेरेंसी है और कितना आगे हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हमीरपुर में सुमेरपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास किसान पर हमला करते वनरोज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि खेत से घर लौट रहे किसान पर वनरोज ने हमला कर दिया। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों के पहुंचने के बाद वनरोज वहां से भाग गया। पुलिस ने घायल किसान को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। सतपुली में विद्युत बिल जमा न होने के कारण विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिया। बता दें कि पिछले 8 माह से 1.19 लाख रुपए के बकाए का भुगतान न होने के चलते यूपीसीएल ने कार्रवाई करते हुए 22 फरवरी को सतपुली चिकित्सालय का विद्युत संयोजन काट दिया था। विद्युत कनेक्शन काटे जाने से चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाएं भी पटरी से उतर गई थी। अस्पताल में उपलब्ध पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड मशीन आदि सोपीश बनकर रह गई थी, जिससे यहां आए मरीजों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ रहा था। इस खबर को हमारे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चैनल पर प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके चलते आज चौबट्टा खाल विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निर्देशों के बाद यूपीसीएल ने अस्पताल का कनेक्शन जोड़ दिया है। हमारा जो मेन हॉस्पिटल है, सीएससी सतपुली है, यहां पर 1,19,000 रुपये बकाया था और जून में पिछले 2021 में इन्होंने बिल जमा किया था। लगभग 8 महीने का बिल हमारा जो है इन्होंने जमा नहीं किया था। अभी सीएमओ साहब से बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि 1 महीने में बिल जमा करा देंगे, इसलिए उनका कनेक्शन जोड़ दिया। और माननीय मंत्री जी का भी इसमें रहा है कि भाई कनेक्शन जोड़ दीजिए, जनहित का मामला है, क्षेत्रीय जनता परेशान हो रही है, और जो है वो सीएमओ साहब उसको तत्काल ही मतलब 1 महीने में बिल जमा करा देंगे। तो कितना बकाया था इनका सर? 1,19,000 रुपये बकाया है हमारा। तो बिजली विभाग की तरफ से कितना टाइम दिया गया इनको? हमें 1 महीने का टाइम दिया है। अगर 1 महीने के अंदर जमा नहीं करते तो उसके आगे फिर अगर मान लें जमा नहीं कर पाएंगे, वैसे तो ऐसी नौबत आएगी नहीं, लेकिन अगर जमा नहीं करेंगे तो फिर हमें मजबूरन उसको काटना पड़ेगा। द्वारिकाल के प्रभारी उनको हमने अवगत कराया था अपनी तरफ से कि सर बिल आ रखा था हमारे यहाँ पे 1,08,000 का। उसके उनके बाद भी हमारे यहाँ पे ग्लोबल बजट आता है, ग्लोबल बजट में डाला था बिल, लेकिन उससे अप्रूव नहीं हुआ था, तो हमने सीएमओ सर को भेजा था बिल। सीएमओ सर ने भी अपनी तरफ से लेटर बना के भेजा एसडीओ साहब को, तो उनके लेटर के हिसाब से लाइट जोड़ दी गई है आज। तो कब तक के लिए जोड़ी गई, कुछ कितना टाइम मांगा गया? तो इस विषय में कुछ कह नहीं सकते कि कब तक के लिए जोड़ी गई है, लेकिन आज जोड़ दी गई है लाइट। आगे भी सीएमओ सर ने बोला है कि आगे महानिदेशालय को बोला है कि जो जितने भी पेंडिंग है वो जल्दी से जल्दी दे दी जाए। सर आपका नाम? मेरा डॉक्टर। मैनपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मैनपुरी पुलिस स्वाट टीम ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह पर्दाफाश किया है जो शादी का सामान खरीदने के बहाने दुकानों में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे।
पुलिस ने शातिर चोर गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल और 2 कैमरा, 4 हार्ड डिस्क, 1 लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए चोरों ने शहरी क्षेत्रों में दिल्ली, हरियाणा और आसपास के जनपदों से वाहन चोरी और शादी का सामान खरीदने के बहाने दुकानों से इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है। आप जनपद में कुछ मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं हो रही थी, साथ में अन्य भी चोरी के मामले प्रकाश में आए थे, जिसमें कैमरे, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें जो दुकान शॉप से चोरी की शिकायतें मिली हुई थी, तो इसमें साइबर सेल इंचार्ज जो विक्रम और साथ में कोतवाली की पुलिस में ऑपरेशन चलाया गया और इसमें चोरों का गिरोह जो कि एक रवि कुमार है, दूसरा कुलदीप है, दोनों ये करहल क्षेत्र के रहने वाले हैं सब, और इनको अरेस्ट किया गया है। तो इनके पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल है जिस पर अभियोग दर्ज है और साथ में 2 चोरी के हाई क्वालिटी के कैमरे हैं, 4 हार्ड डिस्क है, लैपटॉप है और कुछ अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, जिस आधार पर इनको और सभी जो है क्योंकि इसमें मुकदमे दर्ज हैं तो उस आधार पर इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और शीघ्र इन पर अन्य अधिनियमों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। पहले से भी इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? हाँ, एक लंबा आपराधिक इतिहास है और भी तलाश की जा रही है, आसपास के जनपदों को भी सूचना दी जा रही है, वो इनसे पूछताछ फिलहाल तो इनको जेल भेजा जा रहा है लेकिन पूछताछ कर सकते हैं, जिससे कि वो संभव है कि उनके मुकदमे को ले सकें। नैनीताल सरोवर नगरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में शादी विवाह, होली, दिवाली पर बधाई के नाम पर मोटी रकम लेने वाले किन्नरों को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। बता दें कि अभी हाल में ही पुलिस ने किन्नरों के मुखिया खलील और उसके साथियों को ठगी करने के आरोप में पकड़ लिया था। वहीं ठगी के रुपए वापस लौटाने और भविष्य में दोबारा ठगी ना करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया था। मामला इन दिनों नगर में खासा सुर्खियों में है और किन्नरों को लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही है, जहां बताया जा रहा है कि किन्नरों का गुरु खलील मामू असल में किन्नर नहीं है बल्कि एक सामान्य पुरुष है जिसकी बीवी और बेटियां काशीपुर में रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीलीभीत में महिला को तमंचे के बल पर बंधक बनाकर वैश्यावृत्ति कराने का आरोप लगाया गया है। दरअसल महिला डॉक्टर ने अपने पति पर उसके मासूम बच्चों को तमंचे की नोक पर जबरन वैश्यावृत्ति कराने का गंभीर आरोप लगाया है, जहां महिला वीडियो ऑडियो जैसे कई साक्ष्य लेकर पुलिस के चक्कर काट रही है लेकिन उस महिला डॉक्टर को न्याय नहीं मिल पा रहा। दरअसल महिला का आरोप है कि उसे 2019 से प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़िता ने मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद एएसपी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला थाना अमरिया क्षेत्र का है। मैडम पुलिस लाइन में आई है, क्या शिकायत ले आई है? क्या कहना? भैया मेरी शिकायत ये थी कि मेरी शादी 2013 में डॉक्टर गौतम सिंह के साथ हुई थी, उसके बाद से ही वो मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। प्रताड़ित करते करते मेरा बच्चा 2015 में बच्चा हुआ, उसके बाद से भी वो प्रताड़ित करते करते उनकी प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने मेरे को किसी पीने वाली पदार्थ में नशीली चीज़ दे करके फोटो और वीडियो बनाई। उसके तहत तो उन्होंने मेरे साथ अपने मेरे ही आवास में कि एक गन पॉइंट पर रख करके मेरे आसपास सब खिलवाड़ दिया। खिलवाड़ करने के बाद उन्होंने ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया, जो ब्लैकमेल आज तक ही चल रही है लगातार। कभी किसी से मरने की करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, मतलब आज तक उन्होंने मेरे को शांति से रहने नहीं दिया। अभी घर में चोरी करवा डाली, तो इस तरह से तो किसी दिन मेरे को भी मरवा देंगे, मेरे बच्चे को भी किडनैप करवा देंगे। अब मैं माननीय योगी जी की जो सरकार है उसमें महिलाओं का तो सम्मान होता है, उस सम्मान में कहीं सम्मान तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि हम मेरे से। मैंने अपनी इस एप्लीकेशन को लेकर DM, SP, AD, DIG, योगी जी की जनता दरबार तक मैं गई हूँ, गोरखपुर में भी गई हूँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई तो हो नहीं पाई। किस तरह से प्रताड़ना की है आपके पति ने? ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसे मांगते हैं, लोग भेजते हैं, गुंडे मारने के लिए भेजते हैं। नहीं, ब्लैकमेलिंग किस बिहाफ पे कर रहे हैं? बिहाफ पे कर रहे हैं कि जो वीडियो उन्होंने फोटोज बनाए हुए हैं उन फोटोज के बिहाफ पर ब्लैकमेल करते हैं और मेरे नाते रिश्तेदारों में वो फोटोज भेजते हैं। क्या अश्लील फोटो? अश्लील फोटोज को भेजते हैं, भेजने के बाद डिलीट करते हैं, उसके बाद उनसे बातें करते हैं, इस तरीके से मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं वो?
तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं सर सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिल जाए और जो हो सकता है पॉसिबल वे हो सकता है उससे मुझे थोड़ी सी शांति मिले जिससे मैं अपने बच्चे के साथ रह सकूं सुकून से। लगभग कितना समय हो गया आपको शिकायत करते हुए? 2019 से लगातार शिकायत कर रही हूं। शिकायत मैंने ये करी थी कि मेरे साथ ये घटना हुई, लेकिन यहां पे घटना पुलिस के साथ मिलकर के सब लोगों ने लगाया ये चीज कि आपका दहेज का और उसका मामला है, जबकि मैंने पूरी पूरी चीज सब कुछ उनको प्रेजेंट किया था, उसके बाद भी कोई चीज उसकी कार्रवाई नहीं करी गई। मतलब 2019 से आज 2022 हो गई, अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? हर जगह जा चुकी हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं। यहाँ पे कभी कहते हैं आपका बरेली का मामला है, आपके बरेली में शादी हुई थी, यहाँ का मामला है, वहाँ का मामला है, मामले सिर्फ घुमाते जा रहे हैं, लेकिन आज तक कभी किसी चीज ने मतलब ये नहीं किया कि हाँ क्या है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।